मीडिया पर मैं हूं नवीन चौहान। वाराणसी के बैटल में एक बड़ा फेरबदल हो गया। तेज बहादुर मैदान में थे, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन आखिरी वक्त में उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया। निराशा उनको जरूर लगी, लेकिन हुआ क्या, क्यों हुआ, खुद बातचीत करने के लिए तेज बहादुर जी हमारे साथ हैं। तेज बहादुर जी, आप पहुंच गए थे वहां तक, सब कुछ हो चुका था, कल उन्होंने कहा था लेटर लाना, लेटर आज मेरे ख्याल आ भी गया था। कहां कमी रह गई और कौन दोषी है, कौन इसके पीछे था जिसने सब कुछ कराया? जय हिंद। देखिए, आज देश की हालात क्या है सब जान रहे हो। कुछ दिन पहले आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट के जजेज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, और मेरे जैसे कितने ही जवान जो इनके खिलाफ इस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये तो साफ जाहिर है कि कौन करा रहा है। मैं तो सीधे सीधे तौर पे नाम लेके कहता हूँ, ये सब मोदी जी करा रहा है। डायरेक्ट नाम लेके कहता हूँ, मोदी जी ने कराया है। जो भी अगर दी, जो मुझे लास्ट के अंदर, बीच की प्रक्रिया आपको मैं बता दूँ, मुझे जब पहला नोटिस दिया गया उसके अंदर कुछ अलग धाराएं थी, उस नोटिस का हमने जवाब दे दिया, फिर अगला नोटिस देते, स्टेप बाय स्टेप साजिश पे साजिश रची जा रही। जब हमने सब, जिन्होंने नोटिस सारे हमने क्लियर कर दिए, तो उसके बाद में 3:30 बजे हमसे कहा जाता है कि आपने जब फॉर्म भरा उस टाइम चुनाव आयोग से क्लियरेंस क्यों नहीं दिया, बताइए आप। तब ये बात कही गई। तो जब हमने फॉर्म भरा उस टाइम क्यों नहीं हमारे से कहा गया कि आप क्लियरेंस लाइए, तब तो कहा कि नहीं, आपके सब कागजात पूरे हैं, आपके सभी सम्मिलित हो चुके हैं। आज ये कह रहे हैं कि जब आपने फॉर्म भरा उस टाइम आपको ये कागज देना था, क्लियरेंस आपने नहीं दिया, इसलिए आपका नामांकन खारिज किया जा रहा है। आपने साफ तौर पर प्रधानमंत्री का नाम लिया, आपने कहा है कि वो दोषी हैं। वाराणसी में पिछली बार वो जबरदस्त तरीके से जीते थे, इस बार क्या कोई डर था क्या कि तेज बहादुर ने एक बड़ी तैयारी क्या वाराणसी में की थी, उसका डर कहीं था क्या? नहीं, अगर दी उनको पिछली बार जीते थे तो सामने मुकाबला करें ना मेरे से। मैं तो अभी भी चैलेंज करके कह रहा हूँ कि मोदी जी, आप किसी भी हिंदुस्तान के, वाराणसी का किसी भी हिंदुस्तान में मेरे सामने चुनाव लड़के दिखा दीजिए आप। अगर दी आपकी जमानत जब्त नहीं कर दूँ तो मैं असली फौजी नहीं हूँ। चैलेंज है मेरा सीधे सीधे तौर पर। मतलब आप जमानत जब्त की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, चैलेंज के साथ। एक जवान जो है चैलेंज देता है सीधा, इनकी तरह नहीं है, भाषण नहीं देता हूँ मैं, चैलेंज करता हूँ, जवान चैलेंज करता है सीधा। हमारा चैलेंज है हिंदुस्तान के किसी भी कोने से वो निष्पक्ष हमारे सामने एक बार चुनाव लड़के दिखा दें, उनकी जमानत जब्त कर देंगे। अब तेज बहादुर जी का अगला कदम क्या है, अगला एक फौजी का अगला कदम क्या है? अब वो डटे रहेंगे कि वापस हो जाएंगे? नहीं, डटा रहूंगा मैं, और हिंदुस्तान के जहां जहां चुनाव कैंपेन में मुझे अब पार्टी भेजेगी मैं जाऊंगा और मोदी जी की पोल खोलूंगा, कि दिखाऊंगा लोगों को, बताऊंगा कि बताइए मेरा क्या दोष था जो इन्होंने मेरा नामांकन धोखे से रद्द करवाया इन्होंने। मतलब तेज बहादुर जी अब पूरी तरह से नेता बन चुके हैं, मतलब अब राजनीति में उतर चुके हैं टिकट के साथ ही, अब ये नहीं है कि वापस फिर लौट जाएंगे। नहीं, ये राजनीति नेता वाली बात नहीं है, सच और झूठ की लड़ाई है ये, कोई नेता वाली बात नहीं। नेता तो ये लोग हैं ना, बहुत है, हमें नेता बनने की जरूरत नहीं है। हमें देश के लिए कुछ करना है, हमने देश के लिए काम करने की ठानी, हमें नेता नहीं बनना है, अपने देश के लिए सच्चाई के लिए हमने लड़ना है। कि लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वाकई तेज बहादुर देश के लिए हैं तो वापस क्यों आ गए, वहां से क्यों आए सीमा से, उन्हें डटे रहना चाहिए था, सिर्फ दाल पत्नी और रोटी जली होने से भी पीछे नहीं हट सकते थे, एक फौजी लड़ा रहेगा कैसी भी परिस्थिति हो, ये लोग कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, तो मेरा उनसे ये पूछो कि तेज बहादुर वहां भी डटा हुआ था जब ये प्रकरण होने के बाद 19 अप्रैल तक इनसे लोहा लेता रहा, लेकिन तेज बहादुर क्या करे, जिन्होंने कोर्ट बैठा के बर्खास्त करके मुझे घर भेज दिया, वहाँ भी तो इन्होंने ही भेजा, और फिर भी मैंने चैलेंज किया कोर्ट के माध्यम से कि मैं तुम्हारी छाती पे फिर आ रहा हूँ सीमा के ऊपर, लेकिन आज तक क्या तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। और यहाँ भी वही हुआ, तेज बहादुर जब इनके सामने टकरा तो धोखेधड़ी से पर्चा खारिज करवा दिया। तो डटा हर जगह हूँ तेज बहादुर पीछे हटने वालों, जब तक जिंदा हूँ पीछे नहीं हटूंगा। तेज बहादुर को डर भी लगता है कि नहीं अब, क्योंकि अब तो सरकारें हैं, सब कुछ हो सकता है, जिसके हाथ में ताकत है। ताकत है उसके हाथ में, मेरा क्या करेंगे, मेरे है क्या, मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरा एक बच्चा था वो तो इन्होंने छीन लिया, अब एक मेरी पत्नी है और मैं हूँ, इनको मुझसे डर है, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। जब पूरा देश मेरे साथ है, देश की जनता मेरे साथ है, मुझे किस चीज़ का भय? आपने देखा इतने दिन के दौरान मैं माइक मोटरसाइकिल से या पैदल कैंपेन के लिए निकलता था, मोदी जी इसने 56 इंची सीना दिखाते हैं और अपने आप को समझते हैं कि अगर मुझे, मैं वाकई में देश के लिए कुछ कर रहा हूं, तो मेरे साथ 1 किलोमीटर पैदल चल के दिखाए, मेरा चैलेंज है। मोदी जी कहते हैं कि हम घुस के मारते हैं, हम बदला लेते हैं अपने सैनिकों का, आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो मोदी जी को इतनी शर्म आनी चाहिए कि घुस के मारते हो तो ये 45 जवान मारे गए, इसका जवाब कौन देगा? वो कह रहे हैं हमने घुस के मारा, तो घुस के मारा क्यों? मोदी जी गए थे कि हेलीकॉप्टर पे बैठ के, या उसके अंदर मोदी जी ड्राइव कर रहे थे? अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि मोदी जी को जरा बांध के ले जाएं एक बार, उसके ऊपर पता लग जाएगा सेना कैसे कार्रवाई करती है। मोदी जी को पता है सेना कैसे कार्रवाई करती है, झूठी अफवाह फैला रहा है।
एयरफोर्स ने कहा कि हमने कितने मारे, एयरफोर्स ने यही कहा कि हमें टारगेट मिला, हमने टारगेट को, टारगेट वो एक पेड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टारगेट का मतलब क्या होता है मैं जानता हूँ, मोदी जी क्या पता, मोदी जी ने सेना पे हम शक नहीं कर रहे, सेना को हम सलाम कर रहे हैं कि उन्होंने इतना बहादुरी का काम किया कि दुश्मन देश में जाके टारगेट को बर्बाद करके वापस आना, लेकिन टारगेट इन निकम्मों ने क्या दिया ये तो बता दें, सेना को टारगेट क्या दिया, क्यों सेना को बदनाम कर रहे हैं आज, हमारी उसकी थूथू करवा रहे हैं विदेशों में, एयरफोर्स तो कह रही है ना कि हमने वहाँ पे हमला किया है, तेज बहादुर को भी मानना चाहिए ना कि हमला तो हुआ है, मैं कह रहा हूँ एयरफोर्स कह रही है और मैं भी कह रहा हूँ कि इन्होंने हमला किया, लेकिन हमला कहाँ किया वो भी तो बता दें, जंगल में नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, ये टारगेट बता देना, उस टारगेट का जीआर हमें बताएं, मैं आपको निकाल के बता दूंगा, मैं फौज का आदमी की कहें कि जीआर नंबर इतने पे हमने अटैक करवाया, लो मैं दिखा दूंगा बता के कौन सा इलाका था और कितना नुकसान हुआ, डिफरेंस बताइए, क्यों नहीं बताते देश के सामने। अच्छा, पर्चा निरस्त होने के बाद क्या समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता अखिलेश यादव या और कोई दूसरे नेताओं से आपकी कोई बातचीत हुई, उन्होंने कुछ कहा आपको कि नहीं कहा? नहीं, यहाँ पर जो जितने भी उनके नेता हैं उन्होंने मीटिंग लिया था और चर्चाएं चल रही हैं, और जो लखनऊ में सारस जी उन्होंने भी फ़ोन किया था कि आगे कैंपन के लिए आप तैयारी करो, जो व्यवस्थाएँ हम देख लेंगे, कहा जी मुझे थोड़ा समय दिया जाए, कल तक हम बताएंगे, आज तो वैसे ही थोड़े। कब तक वाराणसी में रहेंगे? 19 तक वाराणसी में जरूर 19 तक रहेंगे जरूर जरूर जरूर। मोदी जी जब तक मोदी जी को बैरिंग नहीं लौटा तो नहीं जाऊंगा यार। नहीं जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब प्रचार करेंगे, क्योंकि मोदी जी अपना आपको ये समझे हैं कि उन्होंने जंग जीत ली तो उनकी गलत फहमी है, मैंने देश के पूरे हर भारतवासी का दिल जीता है, उन्होंने दिल तोड़ा है, तो वो जीते नहीं, जीत के भी हार गए, आज हार गए, जीत के भी हार गए, जीत के भी हार चुके हैं, क्योंकि मैंने पूरे देश का दिल जीता है और देश की दुआएं आज मेरे साथ हैं, आज वो जीत के भी हार चुके हैं, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, जीत के भी वो हार चुके हैं और मैं जीता हूँ आज, मुझे इतना गर्व है कि आज पूरे देश के जो जवानों ने या देश की पब्लिक ने जो मुझे सहयोग दिया, जो मुझे प्यार दिया, आज सोशल मीडिया पे जाइए, मीडिया पे जाइए, हर कोई मेरा सहयोग कर रहा है, तो मैं अपने आप को आज जीता हुआ समझ रहा हूँ, लेकिन वो जीत के भी हार रहे हैं, जीत के भी हार जी। तो चलिए तेज बहादुर जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, बातचीत की, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि दोषी प्रधानमंत्री हैं, वो इससे पीछे नहीं हटते और 19 तारीख तक वाराणसी में डटे रहेंगे, पार्टी का प्रचार करते रहेंगे, आगे क्या कुछ होगा, पल पल की अपडेट हेडलाइंस इंडिया आपको देता रहेगा, अपने सहयोगी सार्थक शर्मा के साथ नवीन